ये फोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये जो बच्ची अपने पेरेंट्स के बीच में बैठी हुई है, इसकी फोटो खींचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। और ये है दुनिया की सबसे पहली पजेस्ट नन का कटा हुआ सिर। फोटो खींचने का शौक तो हर किसी को होता है और हर कोई चाहता है कि उनका फोटो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर आए, लेकिन इस दुनिया में कुछ फोटोज ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस, हॉन्टेड और क्रीपी हैं। और कुछ फोटोज के पीछे तो ऐसी कहानी है जो आपका दिमाग हिला देगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही हॉन्टेड और क्रीपी, डरा देने वाले फोटोग्राफ्स के बारे में जो कि रियल हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे मालूम है कि आप लोग स्किप नहीं करोगे। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। फोटोज विद द डेड। सन 1800 के समय इंग्लैंड में जब विक्टोरियन एरा चल रहा था, तब एक ऐसा अजीब सा ट्रेडिशन चलता था जिसमें लोग अपने मरे हुए सगे संबंधियों के साथ तस्वीर खिंचाया करते थे। ये जो तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस लड़की की मौत इस फोटो खींचने से पहले ही हो चुकी थी। और ये अकेला ऐसा फोटो नहीं है, ऐसे हजारों फोटोज इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। विक्टोरियन एरा के दौरान हर कोई इस ट्रेडिशन को फॉलो करता था। जिनको नहीं पता कि विक्टोरियन एरा क्या है, मैं बता देता हूँ। ये वो समय है जब इंग्लैंड पर क्वीन विक्टोरिया शासन किया करती थी। उस समय इंग्लैंड में ये ट्रेडिशन बहुत ही ज्यादा फेमस था। जब भी किसी के घर में कोई मेंबर मर जाता था, तो उसको दफनाने से पहले या पोस्टमार्टम से पहले लोग उसके साथ फोटो खिंचाया करते थे। और इन फोटोग्राफ्स में खास बात ये है कि जो पर्सन मर चुका है, उसको इस तरह से बिठाया जाता था कि वो मुर्दा लगता ही नहीं था। मतलब एक नजर में जब भी कोई इस फोटो को देखेगा, तो कोई नहीं कह सकता कि ये जो पर्सन बीच में बैठा हुआ है, ये बहुत पहले ही मर चुका है। ममीफाइड नन हेड। ये जो फोटो आप सामने देख रहे हैं, ये एक नन का कटा हुआ सिर है और ये कोई नकली फोटोग्राफ नहीं है। ये एक असली कटा हुआ ममीफाइड सिर है जो कि म्यूजियम में रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये नन पजेस्ड थी। ये दुनिया की सबसे पहली पजेस्ड नन थी जिसके शरीर पर शैतान ने कब्जा कर लिया था। उस पजेस्ड नन को मुक्ति दिलाने का केवल एक तरीका था कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, और यही कटा हुआ ममीफाइड सिर आज भी एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इनक्रिप्टेड म्यूजियम का ये दावा है कि उन्होंने ये सर एक मकान के बेसमेंट में फाउंड किया था जो कि ब्रिटिश लॉर्ड थॉमस का था। ब्रिटिश लॉर्ड थॉमस की मौत भी अपने आप में एक रहस्य थी, क्योंकि थॉमस भी अपने घर से एक दिन अचानक गायब हो गए और आज तक पता नहीं चला कि वो कहां गए, उनकी मौत कैसे हुई। और उनके घर के बेसमेंट में ही इस नन का कटा हुआ सिर पाया गया जो आज भी इस म्यूजियम में रखा हुआ है। जिस नन का ये सिर है, उसका नाम था सिस्टर जोसेफिन। ये मात्र एक अंधविश्वास है या वाकई उस समय ऐसी घटनाएं घटा करती थी, आपको क्या लगता है यार, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो फोटो आप सामने देख रहे हैं, इसमें दो लोगों की तस्वीर ली गई थी और ये फोटो खींचा था विलियम हॉप ने। लेकिन जब इस फोटो को डेवलप किया गया, तो देखा गया इस फोटो में दो नहीं बल्कि तीन लोग थे, जिसमें से कि एक थी आत्मा। ये किसकी आत्मा थी, ये फोटोग्राफ में कैसे आई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन इस फोटोग्राफ ने विलियम हॉप को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। लोग उनको स्पिरिट फोटोग्राफर के नाम से जानने लगे, क्योंकि विलियम अकेले ऐसे फोटोग्राफर थे जो फोटो खींचते समय आत्माओं को अपने कैमरे में कैद कर लेते थे। लोगों को ऐसा मानना था कि या तो उनके कैमरे में कुछ खासियत है या विलियम के पास कोई सुपर पावर है। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैल गई और हर बंदा केवल विलियम से ही फोटो खिंचवाना चाहता था। सबको बड़ा एक्साइटिंग सा फील होता था कि जब उनके फोटोग्राफ्स में कोई आत्मा या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दे जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई बंदा बहुत ज्यादा फेमस होता है, तो लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हो गया विलियम होप के साथ। जब उनके फोटोग्राफ्स की बहुत डीप में जांच की गई, तो पता चला कि वो सारे फोटोग्राफ्स और स्पिरिट के इमेजेस सब नकली थे। विलियम होप ट्रिक फोटोग्राफी का यूज करते थे। उस समय फोटोशॉप तो था नहीं, तो ये चीज ज्यादा किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन विलियम इस चीज का बहुत फायदा उठाते थे और वो ऐसी फोटो बना देते थे जो देखने में काफी हॉन्टेड, स्कैरी और क्रीपी लगती थी। और जैसे ही ये बात पब्लिक के सामने आई, विलियम की पोल खुल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि विलियम का तो धंधा ही बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि विलियम का धंधा और ज्यादा बढ़ गया। लोगों को ये तो पता चल गया था कि विलियम जो फोटो खींचते हैं वो नकली फोटो होती हैं, उसमें जो भूत दिखाई देते हैं वो भी फर्जी होते हैं, लेकिन लोगों को ऐसे फोटो खिंचवाने में बहुत मजा आता था। और विलियम भाई ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा छापा और इतने सारे फोटोग्राफ्स बनाए जो आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं।
ये फोटो है 1981 ऑस्ट्रिया की, जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे होटल में और उन्होंने सोचा कि अपने इस मूवमेंट को यादगार बनाने के लिए एक फोटो खींच ली जाए। 1981 के समय हर किसी के पास कैमरा नहीं होता था, जैसे आज के समय हर किसी के पास अपने मोबाइल में खुद का कैमरा होता है, वो भी 100-150 मेगापिक्सल वाला। केवल कुछ रईस लोग ऐसे होते थे जो कैमरे को अफोर्ड कर पाते थे या फोटो खिंचवा सकते थे। तो जब ये फोटो खिंचवाया जा रहा था तो एक साथ दो फोटो खींचे गए जिनमें करीब 3 सेकंड का अंतर था, और मात्र 3 सेकंड के अंदर फोटो में एक एक्स्ट्रा मेंबर का आ जाना सबको चौंका दे रहा था। जब दूसरे फोटो को डेवलप किया गया और लोगों ने इसे देखा तो सब चौंक गए कि आखिर ये रेड सर्कल में लेडी कौन है, क्योंकि जिन दो लोगों के बीच में ये लेडी थी उनका ऐसा कहना था कि हमारे बीच में कोई भी नहीं था जब फोटो खिंचवाया जा रहा था। और जैसा कि आपको मालूम ही है, जब किसी चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो लोग उसको भूतों के साथ जोड़ देते थे, और यही हुआ इस फोटोग्राफ के साथ भी। आज भी इस फोटोग्राफ को हॉन्टेड माना जाता है और लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो लेडी इस फोटो में दिखाई दे रही है ये एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। अब जरा इस फोटो पर नजर डालिए और उसके बाद इस फोटो पर नजर डालिए। ये सन 1800 के दौरान खींची गई कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और आज भी इंटरनेट पर हॉन्टेड फोटोज में ये टॉप पर आती हैं। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पर ऐसी ढेरों फोटो मिल जाएंगी, और ये सारी फोटोज नकली हैं, ट्रिक फोटोग्राफी है। जब ना फोटोशॉप था ना किसी को एडिटिंग आती थी तो लोगों को ऐसे फोटो बनवाने में बड़ा मजा आता था, और जिस भी बंदे को ट्रिक फोटोग्राफी करनी आती थी या फोटो एडिटिंग करनी आती थी भाई उसकी तो पूरी बल्ले बल्ले थी, वो बहुत नोट छापता था, क्योंकि हर कोई इस तरीके के अजीबोगरीब फोटो बनवाता था। और आज बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे हैं जो इन्हीं फोटोग्राफ्स को इंटरनेट से उठाकर आपके सामने पेश कर देते हैं और ऐसा बताते हैं कि ये फोटो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ये फोटो कब खींचा, किसने खींचा, किसी को इसके बारे में नहीं मालूम, जबकि रियलिटी में ये सारे फोटोज फेक हैं। ये लोग लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं भाई, खेलने का इतना ही शौक है। तो मैंने बताया था ना कि MPL पर जाकर गेम खेलो, बहुत सारे गेम है। ये देखो एक और गेम दिखाता हूं, फ्रूट चॉप वाला गेम, ये मैं खेल रहा हूं। जितना मर्जी उतना खेलो यार, जितना मर्जी उतना खेलो। वाटर टाउन घोस्ट फोटो, ये फोटो है SS वाटर टाउन की जो 1924 दिसंबर में ली गई थी। SS वाटर टाउन एक इंस्ट्रूमेंटल शिप था जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच ओशियन में सफर करता था। इस शिप पर दो क्रू मेंबर की बहुत ही ट्रेजिक मौत हो गई थी, एक एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए थे, और उनका नाम था सीमन जेम्स और मिशेल। और ये एक परंपरा है कि जब भी किसी शिप में यात्रा के दौरान किसी की मौत हो जाती है, खासकर क्रू मेंबर की जब मौत हो जाती है, तो उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाता है, क्योंकि शिप पर ना डेड बॉडी को दफना सकते हैं ना जला सकते हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मिशेल और जेम्स इन दोनों की बॉडीज को समुद्र के हवाले कर दिया गया। लेकिन फिर उसी सफर के दौरान बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने पानी की लहरों में दो अजीबोगरीब चेहरे देखने की बात की। लकीली उस शिप पर एक कैमरा भी था जिसकी मदद से ये फोटोग्राफ लिया गया, जहां पर लहरों में आप साफ साफ दो अजीबोगरीब चेहरे देख सकते हैं। समुद्र की लहरों का शेप बहुत तेजी से चेंज होता है और लहरों के इतने तेज मूवमेंट को कैप्चर करना पुराने जमाने के कैमरों की बस की बात नहीं थी। तो ये भी पॉसिबल है कि लहरों से बना हुआ ये कोई ऐसा शेप था जो कि फोटो खींचने के बाद दो चेहरों की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर दो चेहरे ही क्यों, एक चेहरा भी हो सकता था या तीन भी हो सकते थे, लेकिन ये तभी दिखाई दिए जब उन दोनों क्रू मेंबर्स की मौत हुई थी। अब मैं आगे जो आपको दिखाने वाला हूँ ये कोई मिस्टीरियस फोटो नहीं बल्कि एक वीडियो है, और इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जिसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो बंदा वीडियो बना रहा है काफी दिलेरी का काम किया है, क्योंकि भाई इसकी जगह कोई और होता तो ऐसी चीज देख के तुरंत 9-11 हो जाता। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है इस वीडियो में ये जो भी हो रहा है ये क्या है। तो ये दुनिया बड़ी ही अजीब रहस्यों से भरी हुई है, इंसान की समझ से बहुत ज्यादा बाहर है ये दुनिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब ना इंसान के पास है और ना ही विज्ञान के पास। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं एक कनखजूरा। अगर आपको नहीं पता कनखजूरा क्या होता है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इस वीडियो में दुनिया का सबसे बड़ा रियल कनखजूरा दिखाने वाला हूं मैं।
मतलब लिटरली ये इतना बड़ा है कि अगर गलती से भी भगवान ना करे मेरे घर में ऐसा कुछ आ जाए ना, तो मैं उस घर में जिंदगी में कभी घुसूंगा ही नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये दुनिया ऐसी ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो ना हम सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना वो हमारे कंट्रोल में है। तो बस वीडियो को अब फाइनली खत्म कर देते हैं। लाइक जरूर कर देना, जरूर 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 से कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।